Hey guys, welcome back to our new vlog. और कल के व्लॉग के लिए बहुत बहुत सॉरी, पता नहीं क्या इशू आ गया था कल वाले व्लॉग में, तो उसके लिए बहुत सॉरी. तो आज का आप न्यू व्लॉग एंजॉय करना. और हमने मंगाए हैं, ऑर्डर करे थे अम्मू के लिए कुछ स्टडी टॉयज़. तो अम्मू अभी उनमें बिजी है, तो प्लीज़ आपको दिखाते हैं हम. रूट्स, ज्योमेट्रिक शेप जैसे स्टार, ट्राइंगल और 1, 2, 3, और ये अल्फ़ाबेट्स हैं. जम्मू देख रही है और ये नीचे से सारे गिरा दिए. तो अभी अम्मू स्कूल नहीं जाती है, तो अभी अम्मू की पढ़ाई के लिए ये बहुत हेल्प करेंगे. तो अब तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो बुक से अलग हैं और बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं. तो ये अम्मू को बहुत हेल्प करेंगी, है ना अम्मू? तो अम्मू भी बहुत खुश है. तो अभी ABCD वाला ही ओपन कराया हमने. अब अभी अम्मू ABCD वाला ही कहाँ लेकर जा रही है पता नहीं. नाश्ता भी हो गया है और दूध भी पी लिया. तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, देखते हैं अनुवासी क्या कर रही हैं, और अमल जी के पास भी जा रहे हैं. तो अभी आपको नीचे मिलते हैं. चलते अम्मू आगे बाहर, मैं नीचे जा रहा था. तो अम्मू अब हेलो गाइज तो बोल दो, तुमने कल से नहीं बोला हेलो गाइज. अब अम्मू हेलो गाइस तो बोल दिया अम्मू ने. अब अम्मू जाएंगी और ABCD सुना दो फटाफट. बहुत ही क्यूट है अम्मू. सी सी फॉर कैट. कैट. डी फॉर डैड. डैड. तो अनु यहाँ पर न्यूज देख रही है. अच्छी बात है, न्यूज देखती है कार्टून और मूवीज के बजाय. तो अनु यहाँ पर न्यूज देख रही है. तो इस टाइम तो न्यूज देख रही हो, अच्छी बात है. ये अपने देश के बारे में जाने की, देश में क्या चल रहा है. यहाँ पे अपना होल्ड होमवर्क कर रही है. जो मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस था वो हो गया था एक्सपायर. तो अभी मैं एंटीवायरस लेने गया था, तो अब उसमें अभी हमारे लैपटॉप में एंटीवायरस डल गया है. और एक गुड न्यूज़ है कि अब हम लैपटॉप से एडिटिंग करा करेंगे, क्योंकि 2-3 ब्लॉग मोबाइल से एडिट थे. तो अब ब्लॉग एडिटिंग लैपटॉप से हुआ करेगी और लैपटॉप से अपलोड हुआ करेगा. और अभी बन रहा है फालसे का जूस, जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ फालसे का जूस. तो काफ़ी खट्टा और काफ़ी टेस्टी होता है, ठंडा भी होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में. तो अभी बनने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ. तो अभी देखिए फालसे का जूस. फालसे का जूस आप सबको लग रहा होगा कि आधा क्यों है. आधा इसलिए है कि मैंने आधा पी. बहुत अच्छा है, मैं पी चुकी हूँ. बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा भी है, खट्टा भी है और ठंडा भी है. इतनी गर्मी में ठंडा ठंडे पीने का तो मजा ही कुछ और है गाइस. तो आज हम जाएंगे श्री महाकाली मंदिर, जो हमारे घर के पास ही है, बिल्कुल साइड में ही है. तो हम मंगलवार को काली माता के स्नान, सुबह 5:30 बजे होता है और शाम को आरती होती है. तो मंगलवार को तो बाल मंडल काली कमेटी द्वारा ही आरती होती है. तो हम शाम को जाएंगे और उस मंदिर का आपको पूरा प्रीव्यू देंगे कि कैसे कैसे है और पूरा क्या क्या, कौन कौन से वहाँ पे देवी हैं, कौन कौन से देवता हैं. तो वहाँ पे आप लोग सब चीज़ दिखाएंगे, आरती दिखाएंगे और लोग वगैरह भी दिखाएंगे सारे, और पूरी आरती आपको दिखाएंगे वहाँ पर. और मैं सब जाते, सब बच्चे जाते हैं, मैं जाएंगे, अनु भी यहाँ पर है, अनु भी जाएगी. अनु बताओ है वहाँ पर कैसा, मतलब कैसी आरती होती है वहाँ पर? अच्छी होती है, जैसे होती है मंदिर में. तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है. और नवरात्रि में तो इतना दिल खुश हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है. और बहुत भीड़ रहती है नवरात्रि में वहाँ पर. और 8-9, 8-9 नवमी को तो बहुत ही भीड़ रहती है, क्योंकि वहाँ से काली मंदिर में से काली मैया भी आती हैं और काली शोभा यात्रा निकलती है काली मैया की. तो इसलिए बहुत ही भीड़ रहती है वहाँ पर भी. 8 की काली रात को आती है, हम रात को जाते हैं. हाँ, तो मतलब 8, 5, 9 सबकी काली बाद आती है रात को. तो हम जाते हैं देखने.
आपने मेरे पिछले शॉर्ट्स में भी देखा होगा, जो मैंने शॉर्ट्स डाली हुई हैं, काली माता की वीडियो है और बाल मंडल काली कमेटी की वीडियो है काली माता की, तो वहाँ यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत बहुत ही अच्छी तरह सेलिब्रेट होते हैं हमारे पूरी गली में, मतलब जितनी हमारी पूरी गली है पूरे शिकारपुर में, तो बहुत ही मज़ा आता है। सब जाते हैं, अम्मू बहुत इंजॉय करती है फेस्टिवल्स में, और अभी तो रक्षाबंधन वगैरह आएंगे अगस्त में, तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग होने वाले हैं आगे, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। गाइस अब हम आ चुके हैं मंदिर में, मतलब मंदिर के बाहर हैं, तो अब मंदिर का पूरा रिव्यू, और ये पीछे ये टाइल्स लगी हुई है, तो अभी आपको पूरा दिखाते हैं। तो अब चल रहे हैं अंदर, यहाँ यहाँ पे चेयर है, और यहाँ पे बिल्कुल पूरे पत्थर लगे हुए, पत्थर बहुत अच्छी डिजाइनिंग है। तो ये माता जी के चरण कमल चरण, ये काली माता बोल सच्चे दरबार की जय। पूरा काली मैया का भवन, यहाँ पर 3 घंटे संतोषी माता का भवन, ये राधा कृष्ण जी का भवन छोटा सा बहुत, तो ये शिरोवाली माता का भवन, यहाँ पे गणेश जी भी हैं और भोले बाबा भी हैं। यहाँ पे मनसा मैया का भवन है, ये मनसा मैया यहाँ पर, और ये पूरा हॉल है। तो यहाँ पर भक्तगण आ चुके हैं, बस आरती शुरू ही होने वाली है, और यहाँ पे बालाजी महाराज, तो यहाँ पर ये नौ देवी की पहली देवी शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्ठमांडा, माता कात्यायनी, माता स्कंद माता, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री। तो ये पूरे मंदिर का व्यू है यहाँ पे, ऊपर ये माता के 84 घंटे।
एडिटिंग पर बैठ गया, आज लेट हो गया क्योंकि आज लैपटॉप पर करने बैठा था पर लैपटॉप पर हुई नहीं तो फिर मोबाइल पे करना पड़ा। और आई होप आपको लोग अच्छा लगा होगा मंदिर का पूरा व्यू और सब चीज़ आरती वगैरह और सब बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज ही थोड़ा सा लेट आ रहा है व्लॉग तो प्लीज़ इग्नोर करें और व्लॉग इन्जॉय करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।